भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को 2-1 से हराकर ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वे भारत के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बैडमिंटन मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और भारत के कई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में मेंस के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन ऐसा पहली बार था जब किसी पुरुष खिलाड़ी ने इसे जीता है। तो बात करते हैं आगे इस वीडियो में लक्ष्य सेन के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बैडमिंटन के मेंस सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करते ही इतिहास रच दिया। लक्ष्य सेन ओलंपिक में बैडमिंटन के मेंस सिंगल का क्वार्टर फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने चीनी ताइपे के दिग्गज खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। चीनी ताइपे के चौ टियन चेन के खिलाफ लक्ष्य सेन ने पहला गेम 21-19 के करीबी अंतर से गंवाया था। हालांकि अगले ही गेम में उन्होंने वापसी करते हुए टियन चेन को 21-15 से करारी शिकस्त देकर उनके हौसले पस्त किए थे। वहीं अगले गेम में उन्होंने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। लक्ष्य सेन ने तीसरा गेम 21-12 के अंतर से जीता और सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। राउंड 16 का मैच उनके लिए कठिन था क्योंकि लक्ष्य के सामने उनके ही हम वतन HS प्रणोय थे। HS प्रणोय को लक्ष्य सेन ने 2-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले लक्ष्य सेन महज 22 साल के हैं। उन्होंने 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं 2022 कॉमनवेल्थ गेम में वे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा उसी इवेंट में वे मिक्स्ड टीम के तौर पर सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं। एशियन गेम्स 2022 में उनको सिल्वर मेडल मिला था। इसके अलावा भी उनके नाम कई मेडल हैं। अगर वे ओलंपिक खेलों में गोल्ड सिल्वर या कांस्य पदक जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर वे भारत के पहले पुरुष शटलर बन जाएंगे जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ओलंपिक मेडल से एक जीत दूर है। अगर वे सेमीफाइनल में जीत जाते हैं तो फिर बिना किसी अगर मगर ये तय हो जाएगा कि वे फाइनल हारने पर भी कम से कम सिल्वर मेडल अपने नाम कर लेंगे। अगर वे सेमीफाइनल हार जाते हैं तो फिर कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अगर उस मैच में वे जीत जाते हैं तो फिर कांस्य पदक अपने नाम कर लेंगे। हालांकि लक्ष्य सेन का लक्ष्य यही होगा कि वे सेमीफाइनल जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि लक्ष्य कौन सा मेडल अपने नाम कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसी नई अपडेट्स देखने के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।